और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। उसका प्लेटफॉर्म तैयार है। कैबिनेट में 9 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर यह कैबिनेट विस्तार अहम माना जा रहा है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की सांसद है अनुप्रिया पटेल, इनकी एंट्री हो सकती है। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कुशवाहा समुदाय के नेता हैं। रामदास अठावले, बहुत साथ दिया इन्होंने जब शिवसेना तलवारें निकालकर बैठी है, तब ये महाराष्ट्र में लॉयल्टी दिखाते हुए, महाराष्ट्र के दलित नेता हैं। अजय टमटा उत्तराखंड से सांसद हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव नजदीक है। कृष्णा राज यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद हैं। एसएस आलूवालिया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से सांसद हैं। महेंद्रनाथ पांडे यूपी के चंदौली से सांसद हैं। यूपी का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा है। अर्जुन राम मेघवाल 2013 में श्रेष्ठ सांसद का अवार्ड जीता, राजस्थान बीकानेर से सांसद। पीपी चौधरी राजस्थान के पाली से रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले सांसद हैं। दो लोग हैं जिनकी छुट्टी संभव है, रामशंकर कठेरिया और निहाल चंद। इस कैबिनेट एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो संख्या बल बढ़ाया जा सकता है, और क्या क्या हो सकता है आइए देखते हैं। मोदी सरकार के नए कैबिनेट विस्तार का द्वार खुल गया है। संभावितों के नाम सामने हैं और उनके नाम भी सामने हैं जो मौजूदा मंत्रिमंडल से विदाई पा सकते हैं। 5 जुलाई यानी मंगलवार को 11 बजे राष्ट्रपति भवन में ये मंत्री शपथ लेंगे। सत्ता में आने के बाद एकाध फेरबदल के सिवा इस स्तर पर कभी कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल में जिन 9 लोगों को शामिल किया जाना है उनके नाम लगभग तय हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को सरकार में शामिल किया जाना तय है। पुरुषोत्तम रूपाला को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे रूपाला कुशवाहा समुदाय से हैं। रामदास अठावले यूं तो महाराष्ट्र से हैं, लेकिन दलित चेहरा होने के नाते उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण साधने में वो मायने रख सकते हैं। अजय टमटा को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। टमटा उत्तराखंड से सांसद हैं। उनके अलावा कृष्णा राज शाहजहांपुर से बीजेपी की सांसद हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और दार्जिलिंग से सांसद एसएस अहलूवालिया भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ही चंदौली से सांसद महेंद्रनाथ पांडे को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की संभावना है। 2013 में श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जीतने वाले अर्जुन राम मेघवाल मंत्री बनाए जा सकते हैं। और राजस्थान से 2014 में रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतने वाले पीपी चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और जिन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है उनमें रामशंकर कठेरिया और निहाल चंद के नाम सामने आ रहे हैं। इन दोनों को वापस संगठन में भेजा जा सकता है। इनके अलावा ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पदोन्नति दी जा सकती है। माना जा रहा है कि इन दोनों मंत्रियों ने अपने काम से नरेंद्र मोदी का दिल जीता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से पहले इस काम को अंजाम दिया जाएगा। कैबिनेट में फेरबदल का ये फैसला नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली की आरएसएस नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।